Welcome to my YouTube channel Study Breeze. आज हम क्या करेंगे इस पर अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 3 जो है वो है हमारे पास ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्व. चैप्टर 3 ग्रेडियंट डाइवर्जन ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व. लेकिन इन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन. पार्शियल डेरिवेटिव आपके नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है. पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन. वेक्टर फंक्शन अभी आप ऑर्डिनरी पढ़ रहे हो. ऑर्डिनरी हमने प्रीवियस चैप्टर में यूज कर लिया और अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर. अब ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है आपके पास? जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं. अगर एक ही होता है, अगर फंक्शन आपके पास इस तरह का था y इज इक्वल टू एफ एक्स या z इज इक्वल टू एफ टी, तो इसमें हमारे पास ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते थे. तो y क्या था? डिपेंड था x के ऊपर. ठीक है, y इज डिपेंडेंट ऑफ x. जैसे आपने इसका डेरिवेटिव किया था डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखा था, तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो y डिपेंड ऑन x, y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास तो हम क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव. जैसे हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई टी लिख लिया सपोज करो मैंने. ठीक है, तो अब इसका इस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम पार्शियल वर्ड यूज करते हैं. पार्शियल का ये नोटेशन है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू t. तो दैट इज द नोटेशन ऑफ पार्शियल. ठीक है, तो ये है आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस तरह से हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे. सपोज करो कि आपके पास, क्योंकि वेक्टर फंक्शन को हम जनरली आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरह से हम लिखते हैं. तो हम इसको आर जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है ये किस किस के टर्म में हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स वाई जेड के टर्म में हमारे पास. ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू जेड. ठीक है, और इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये क्या था आपके पास? एक फंक्शन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसको एफ एक्स से करेंगे, इसको हम एफ वाई से करेंगे और इसको हम एफ जेड से करेंगे. तो ये नोटेशन है इसके, शॉर्टकट नोटेशन, और ये इसका हो गया. तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या हमारे पास? पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन आर, या कहें कि वेक्टर फंक्शन एफ. ठीक है, इसी तरह से हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आपको करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स एक्स से. इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करते हैं, या फिर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स करते हैं, एक तो उनकी वैल्यू इक्वल होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई एक्स. ठीक है, और अगर आपके पास ये होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या बन जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो सेकंड ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? एफ वाई वाई. तो ये हमारे पास नोटेशन थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर,
और इनको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, और सेकंड ऑर्डर को हमने रिप्रेजेंट किया एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन। तो इसको हम यूज करेंगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल में। तो ये थे हमारे पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर आते हैं कुछ रूल आते हैं हमारे पास इसके। रूल्स क्या है कि हम पार्शियल ऑर्डर, वैसे ही हमारे पास वैसे तो ऑर्डरी की तरह से कुछ डिफरेंट रूल नहीं है, लेकिन आप कैसे देखेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें पार्शियल लगाना है या आपके पास इसमें हमने सिंपल ऑर्डरी लगाना है। ठीक है, तो अगला है हमारे पास रूल, रूल्स फॉर फाइंडिंग पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का पार्शियल ऑर्डर निकालने के कुछ एक रूल्स हमारे पास जैसे ऑर्डरी थे। फर्स्ट है हमारे पास कि हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करें किसका, फंक्शन, दो फंक्शन की सम का। तो ये दो फंक्शन हो गए, उनका सम हो गया, तो सेम वैसे ही करना है जैसे ऑर्डरी में, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, उनका साइन चेंज है कि वहां डी यूज करते थे और यहाँ हम पार्शियल के लिए डेल यूज करते हैं, कर्ल यूज करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एस, इसको कैसे रीड करेंगे, प्लस था यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स था ना यहाँ पर, ये आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स होगा, तो ये एक्स ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो फिर वैसे ही करना है आपको जैसे आपने ऑर्डिनरी में पीछे प्रीवियस सेकंड चैप्टर में किया था। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट को एच जी रखा, डॉट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट आपके पास क्या है यहाँ पर जी। इसी तरह से थर्ड है आपके पास कि क्रॉस, तो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ क्रॉस जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ क्रॉस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्रॉस जी। तो वो सेम वही है जो हमने पीछे कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर हमने किसका किया था, स्केलर अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाई इंटू एफ, एफ वेक्टर फंक्शन हो गया, फाई आपके पास क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे उसमें किया था, तो क्या हो जाएगा आपके पास, फाई पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आप किसका करेंगे, स्केलर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू द वेक्टर एफ। नेक्स्ट है अगर आपके पास इस तरह से दे रखा है कोई फंक्शन कि एफ आपके पास फंक्शन एफ वन एफ टू एफ थ्री की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी हमारे पास यूज हो रहा है। एफ फंक्शन अगर इस तरह से लिखा है आपके पास एफ वन एक्स वाई जेड, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में लिया था ना फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन एफ वन टी आई प्लस में एफ टू टी जे प्लस में एफ थ्री टी के, इसी तरह से यहाँ पर एक्स वाई जेड की टर्म में है हमारे पास, तो ये एफ टू हो गया आपके पास एफ एक्स वाई जेड, और ये हो गया जे, और प्लस में आप करेंगे यहाँ पर एफ थ्री, और ये हो गया आपके पास एक्स वाई जेड इंटू में के। अगर इस तरह से कोई फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कर्ल एफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास कर्ल एफ टू विद रिस्पेक्ट टू वाई जे और कर्ल एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स होगा, तो यहाँ पर सब में एक्स होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करवाएंगे तो वाई हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू जेड करवाएंगे तो जेड।
तो हमने कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिख सकते हैं। कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई में क्या हो जाएगा, सबके नीचे आपके पास वाई आ जाएगा। कर्ल एफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई आई प्लस में कर्ल एफ टू विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और नेक्स्ट में होगा आपके पास कर्ल एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू जेड के। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास होगा यहाँ पर एफ वन एफ टू एफ थ्री। इसी तरह से सिमिलरली क्या कर सकते हो आप, जेड का कर सकते हैं। तो जेड में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड में क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू कर्ल एफ वन डिवाइडेड बाय जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड आई प्लस में कर्ल एफ टू विद रिस्पेक्ट टू जेड जे, नेक्स्ट कर्ल एफ थ्री विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो ये आपके पास है सॉरी इस तरह से दे रखा है, तो हम ये यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास वेक्टर फंक्शन स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड दे रखा है, इनको एक्स वाई जेड के टर्म में ही हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ द वेरिएबल ऑफ टी, तो फिर इसको कैसे करेंगे। अगर यही फंक्शन दे रखा है आपके पास, जैसे यही था आपके पास कि एफ फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखा आपके पास एफ फंक्शन, तो फिर इसको कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है इसको। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो हम इसको लिखेंगे पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपके पास, एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपके पास, टी हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा आपके पास, कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, और जेड आपके पास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टी। लेकिन कब, जब आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और द स्केलर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल टी, वेरिएबल टी के टर्म में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, वेक्टर फंक्शन एफ को, ये क्या है हमारे पास वेक्टर, तो ये सिक्स नंबर की हमारे पास इसका रूल हो गया। तो इस तरह से आपको ये याद भी करना है और आपको वैसे समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर टोटल डिफरेंशियल्स, टोटल डिफरेंशियल्स के कुछ फॉर्मूले हैं। टोटल डिफरेंशियल, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट वन। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास क्या हो जाए है, ये कि कोई फंक्शन दे रखा होगा, ये एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, ये आपके पास दे रखा है। तो आपको टोटल डिफरेंशियल निकालना है किसका, एफ का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, हम कैसे लिखते हैं, तो डी एफ इस तरह से लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपके पास डी एफ वन आई प्लस में डी एफ टू जे प्लस में डी एफ थ्री के। ठीक है, दूसरा आपसे कहा जा सकता है कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट जी का फाइंड आउट कीजिएगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पार्शियल में किया था और ऑर्डिनरी में किया था। ठीक है, किसके भी रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा है, तो एफ डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, डी जी प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास, डी एफ डॉट जी। ठीक है, और थर्ड वन आपके पास क्या है कि अगर आपको क्रॉस दे रखा है, तो क्रॉस में भी वैसे ही एफ क्रॉस जी लिखा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ क्रॉस जी में क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस डी जी प्लस में डी एफ क्रॉस जी। ठीक है, और लास्ट वन है आपके पास फोर्थ वन कि अगर आपको टोटल डेरिवेटिव इसका निकालना है, कोई फंक्शन आपके पास एक्स वाई जेड दे रखा है, ठीक है, तो जैसे उसमें सिक्स प्रॉपर्टी थी ना, वैसे ही आपके पास अगर फंक्शन एफ दे रखा है इन टर्म्स ऑफ आपके पास एक्स वाई जेड,
और आपसे कहा जाए कि इसका टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है या टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग रहा है, तो आप किस तरह से करेंगे? यहाँ पर कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इनटू में हो जाएगा डी एक्स। वहां तो क्या था, कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ टी दे रखा था। इसी तरह से यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कब ये फॉर्मूला लगाना है हमें और कब हमारे पास रूल्स अप्लाई करने हैं। तो ये टोटल डिफरेंशियल के हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, तो अब हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो ये एग्जांपल्स देख लीजिएगा, एग्जांपल फर्स्ट। तो एग्जांपल फर्स्ट कैसे होगा देखिएगा, एग्जांपल फर्स्ट, फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है आपके पास यहाँ पर, एग्जांपल फर्स्ट में लिखा है आपके पास इफ एफ, एक फंक्शन दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर आई, फिर क्या है आपके पास वाई स्क्वायर जे, y स्क्वायर j प्लस जेड स्क्वायर k, जेड स्क्वायर k। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, show that fx fy fz आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एफ एक्स क्या है हमारे पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या है आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब आपको इनको परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर करना है तो हम कैसे करेंगे इनको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स का मतलब क्या है आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इस तरह से एफ क्या दे रखा आपके पास एक्स स्क्वायर आई प्लस में वाई स्क्वायर जे प्लस में जेड स्क्वायर के, और इसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया टू एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है, और अदर क्या हो जाएंगे आपके पास जीरो। इसी तरह से आप क्या करोगे, एफ वाई फाइंड आउट कर लेंगे। एफ वाई का मतलब क्या हो गया, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, किसको, जो आपके पास एफ दे रखा है, एफ क्या गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, ये आपके पास एफ गिवन है, तो ये कितना हो गया आपके पास टू वाई जे। इसी तरह से एफ जेड फाइंड आउट करेंगे, और एफ जेड आपके पास क्या हो गया पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये क्या हो गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे किसको, गिवन फंक्शन को, गिवन फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, गिवन वेक्टर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर आई प्लस में वाई स्क्वायर जे प्लस में जेड स्क्वायर के, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास टू जेड के। आपको क्या करना है, इनकी डॉट प्रोडक्ट किसकी, एफ की वाई के साथ, वाई की जेड के साथ और जेड की एक्स के साथ, और अगर जीरो आ जाती है तो आप क्या कहोगे, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो एफ एक्स कितना है आपके पास टू एक्स आई, और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे टू वाई जे, क्या होगी आपके पास जीरो, क्योंकि आई डॉट जे क्या होगा जीरो। इसी तरह से ये भी और ये भी आपके पास, तो आप क्या कह देंगे, हेंस एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या हो गए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए,
यही आपको फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो सिर्फ इसमें हमने क्या यूज किया, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर रहे करते हैं जब हमारे पास फंक्शन एक्स वाई जेड में गिवन है, ठीक है। तो यही करना है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर कि इफ द फंक्शन इज गिवन, फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो ये हम इसको इससे कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, जब फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, एफ फंक्शन गिवन है आपके पास 2x² y माइनस एक्स की पावर 4 इंटू में i, j का कोफिशिएंट क्या दे रखा है यहाँ पर e की पावर xy माइनस में y साइन x इंटू में क्या हुआ आपके पास j, और नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा है यहाँ पर x² cos y और इनटू में क्या हो गया k। तो आपके पास इसके पार्ट दे रखे हैं 5 parts। फर्स्ट पार्ट में करना है इसको, फर्स्ट पार्ट है आपके पास कर्ल f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब कर्ल f विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको हम, तो आपके पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू x किया इसका, किया पहले फर्स्ट पार्ट का किया, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4xy माइनस में 4x³i। यहाँ क्या होंगे आपके पास, जब e की पावर xy का करेंगे तो e की पावर xy का xy होता है, लेकिन xy का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसका y आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं y e की पावर xy, और ऐसे इसका किया हमने y, तो एज इट रहेगा आपके पास, और साइन का क्या होता है cos, इनटू में क्या हो गया आपके पास j, और ऐसे ही इसका करेंगे तो x स्क्वायर का कितना हो गया आपके पास 2x, और ये स्केलर हो गया क्योंकि अदर को हम क्या रखते हैं कांस्टेंट। तो ये आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, 4xy माइनस में 4x³y प्लस y e की पावर xy माइनस में y cos x j, और लास्ट टर्म आपके पास j के साथ आ गई 2x cos y, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो है, तो सेकंड पार्ट में आपको करना है इसमें विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे हम y के, तो f विद रिस्पेक्ट टू y, f को विद रिस्पेक्ट टू y कीजिए, ये f लिखा है आपके पास, ठीक है। तो f को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ गया आपके पास 2, क्या आया 2x², ये तो 0 हो गया, तो यहाँ आ गया i। इसी तरह से इसको करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x y रहेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x आ जाएगा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन x आ जाएगा, इंटू में क्या है यहाँ पर आपके पास j, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस, तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ये स्केलर है, स्केलर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो डेरिवेटिव्स, तो इस तरह से हम इनके डेरिवेटिव्स करेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई था, और थर्ड पार्ट में आपके पास दे रखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कैसे करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हम इस तरह से कर लेंगे इसको, जो फर्स्ट ऑर्डर निकाला था उसको फिर दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये आ गया 4y माइनस का 12x², ठीक है आई, और इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्केलर है ही, और e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई होता है, लेकिन पावर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर e की पावर एक्स वाई माइनस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, लेकिन cos का आपके पास माइनस होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई साइन एक्स इंटू में क्या हो गया आपके पास जे, और इसी तरह से हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2cos y इंटू में के। तो ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या होगा
फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड आउट करवाया है, इसमें हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है इसका तो फोर्थ पार्ट है इसका हमारे पास उसमें है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है फोर्थ पार्ट में भी विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई का फर्स्ट ऑर्डर यहाँ कर रखा था हमने, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसको करेंगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो ये आ गया आपके पास जीरो आई। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर और ई की पावर एक्स वाई हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये जीरो बन गया और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स स्क्वायर एच डी रहेगा और साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा आपके पास। तो ये टर्म आ गई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जे माइनस में एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करना है। फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पर और इसको करना है हमें एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वाई एक्स लिखे या एक्स वाई लिखे एक ही बात है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे अब हम, तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये था हमारे पास यहाँ पर एक्स और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहते हैं हम, ये रहा एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर एक्स आई और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो आपके पास आ गया माइनस के कॉस एक्स क्योंकि वाई का वन हो गया और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इंटू में जे और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो आप देख रहे हैं कि कोस है और कोस का क्या होता है माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा और ये आ गया आपके पास टू एक्स साइन वाई के, ठीक है। तो इस तरह से हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करना था तो ये आ गया फोर एक्स आई प्लस में एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस में कोस एक्स जे माइनस में टू एक्स साइन वाई के। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी, इसको आपको करना है और ये बेसिक था हमारे पास कि हम पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे इसमें ग्रेडिएंट डाइवर्जेंट इंटरवल में। तो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, किन फंक्शन का करते हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या डिफरेंस है, इस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।